Hi friends, आज मैं आपन मन कस्ता शेयर कर जी सुपर क्रिस्पी मशरूम पकोड़ा रेसिपी जोटा की बरसा पागरे गर्मा गरम इवनिंग स्नैक्स रे खाइबा पई बहुत बढ़िया लागी थाए तो सति पई मोर 200 ग्राम रे मशरूम को भल भाबरे पानी चेंज करके 2-3 थरो धोइनेला परे बडे कपड़ा रे पोछिक रखितली तो मशरूम पूरा भल भाबरे क्लीन हे गला परे एबे एटा को मु काटि नउ छी छोटो मशरूम को 2 फाळ आ बडो मशरूम को 4 फाळ करके लंबा लंबा आकार रे काटि नै छी तो सब मशरूम को चॉप करनेला परे एबे एटा को साइड करके आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा ता परे आमे पकोड़ी पई बैटर बनिन नबा सेथि पई गोटे बडो मिक्सिंग बाउल नै जाई छी आ सेथिरे दे दउ छी मु 4 चम्मच बेसन तापरे 2 चम्मच अरुआ चावल रो गुंड एटा को बनने पे मो अरुआ चावल को धोई की तापरे सुखे की गुंड कर नै छी अपन मार्केट रे मधे पाई जेबे तापरे मो एठे ऐड करनो छी गोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर अरुआ चावल गुंड आ कॉर्नफ्लोर पकोड़ी को बहुत बढ़िया क्रिस्पी कर थाए अपन ए दुइटा रो जोटा भेले गोटे यूज कर परिबे तापरे एठे मो नै जाई छी 5-6टा रसुन गोटे इंच अदा किछि भुसुंगा पत्र आ गोटे कंचा लंगा को छेची की एटा को एठे ऐड करनबा एटा को दबा द्वारा पकोड़ी रे गोटे बहुत बढ़िया फ्लेवर आसी थाए त पकोड़ी रे टेस्ट पे डबल हे जाई थाए त निश्चित ऐड करंतु तापर एठी म गोटे बडो प्याज को छोटे छोटे करी काटि रखितली सेटा को ऐड करनो छी तापर एथिरे सब सुखा मसाला ऐड करना बा त प्रथमे म एठी गोटे चम्मच काश्मीर लंका गुंड ऐड करू छी एटा बेसी राग न थाए किंतु बहुत बढ़िया कलर दे थाए तापर हाफ चम्मच गरम मसाला 1/4 टीस्पून बा हाफ चम्मच रे भी कम गोलमरीच गुंड देकी तापर स्वाद अनुसार एथिरे लुण ऐड करना बा तापर आवश्यक अनुसार पानी देकी गोटे बैटर रेडी करबा बैटर को हमें अत्यधिक पतला किंबा अत्यधिक बहला रखिबा नहीं मीडियम कंसिस्टेंसी रही रखिबा बैटर रेडी हे गला परे एबे एथिरे काटिक रखितबा सब मशरूम को ऐड करिकि हल्का हातरे मशरूम को भल भाबरे बैटर सहित कोट करिनबा तो मशरूम पूरा छाणी में रेडी हो जाए से मुझे गैस ऑन करी गोटे कढ़ई को बसईकि सफिसीएंट तेल दे दूसरी जमी पकुड़ी भल भाव छाणी हे तापर तेल गरम है से मशरूम को पकेबा गोटी गोटी करी तेल ये नॉर्मल गरम अच्छी अत्यधिक गरम ना कि थंडा ना बेसी गरम रही ऊपरटा खाली लाल होतरटा कंचा रही थंडा जदि रही है पकुड़ी मध्य बहुत अधिक तेल सोक कर से तेल को मीडियम गरम रखिए आ सांगे सांगे पकुड़ी पकेला पर सेरा ओल्टेबेनी किछि टाइम एमिति छाड़ देबे तापर किछि समय पर एटा को ओल्टेबा तो मशरूम को मझेरे मझेरे एपट सेपट करी छाणीबार 3-4 मिनट हो जाए देखि पारे बहुत बढ़िया कलर पड़े आसला तो ये सब कुछ बाहर कर नौ से सेम प्रोसेस रे अन्य सब कुछ छाणी नवा जदि आपंकर तेल थंडा हो जाए आउ थे भलसे गरम करी जाकि मशरूम को एड करेंगे आ गोटे थर जी कढ़ाई धरू से अमाउंट रही मशरूम को देखिए छाणबे जहाद्वारा मशरूम पूरा क्रिस्पी हो छाणी हे मशरूम तो सीझापी बहुत कम टाइम लगी था तेणुक एसब को छाणी केवल 10-15 मिनट टाइम लगेगा तेणुक जिते बड़े को इच्छा होते एमतीका मशरूम पकोड़ा को स्टार्टर बन खाई नहले तो इवनिंग स्नैक्स टमाटो सॉस किंबा चिली सॉस सहित तो खाई आ बर्षा पागरे तो एमतीका क्रंची मशरूम पकोड़ा बनईकी चाहा सहित तो निज पर लोकों सहित एंजॉय करें साउंड शुणिकी जापे मशरूम पकोड़ा के क्रिस्पी होता तेणुक आपतिका सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी मशरूम पकोड़ा निश्चित बनातु आपको केमी लगे मत कमेंट सेक्शन में जहां थैंक यू।